अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी प्यारी बहन जैस्मिन और मेरे सीधे साधे जीजू की शादी की सालगिरह में या उनकी खुशियां बांटने आए हैं। थैंक यू सो मच। अब क्योंकि दूल्हा दुल्हन को आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग सब पार्टी का फुल ऑन मजा लीजिए। जस्ट एंजॉय द पार्टी, ओके? अभी तो शादी को बस 2 साल हुए और पति पत्नी दोनों खुद की ही पार्टी से गायब। सोचा 10 साल के बाद क्या होगा। प्लीज मेरे दीदी और जीजू की शादी को नजर मत लगाओ तुम। अरे ये भी तो हो सकता है ना कि वो आप सब मेहमानों से दूर कहीं अकेले में रोमांटिक पल बिता रहे हो। फोन उठा रहे हैं ना कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। पार्टी में ऐसे अकेले जाने में मुझे बहुत अजीब लगेगा। नीचे सादा करके उन्हीं के दोस्त हैं। अरे अरे ये कैसी आवाज? ये तो जैस्मिन की आवाज है। जैस्मिन, जैस्मिन, अस्थमा का दौरा तो नहीं पड़ गया? ओह गॉड, जैस्मिन, जैस्मिन दरवाजा खोलो। जैस्मिन, जैस्मिन तोड़ दो दरवाजा। जैस्मिन, ये क्या हुआ यहाँ पे? ये सब क्या है? ओह माय गॉड, जैस्मिन, लगता है किसी ने जैस्मिन को किडनैप कर लिया। सीआईडी, काम करो, कमरे का कोना कोना छानो और एक एक इंच ढूंढो। देखो कोई ना कोई सुराग तो मिलना ही चाहिए। हाँ जाओ काम पे। क्या लगता है तुम्हें, जैस्मिन को कोई उठा के लेकर गया या फिर? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज कुछ कीजिए ना सर। जैस्मिन के पति मानव वो कहाँ है? वो अहमदाबाद गया था एक बिजनेस मीटिंग के लिए। जैस्मिन और मानव साथ में शामिल होने वाले थे पार्टी में, पर मानव अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं सर। वैसे आप? मैं ललित, मानव का दोस्त। सो आगे तो क्या मिला? सर यहाँ पे खून के निशान मिले खिड़की पे, इधर इस तरफ। खून के निशान तो हैं, हो सकता है ये खून जैस्मिन का ही हो, और फिर किडनैपर शायद जैस्मिन को इस खिड़की के रास्ते से ले गया होगा, और फिर हाथापाई में जैस्मिन को चोट आ सकती है। शायद ये खून इसीलिए जैस्मिन का भी हो सकता है। सर, सर ये देखिए, गहने और पैसे ऐसे के ऐसे ही हैं। सर मतलब ये किडनैपिंग लूटपाट के इरादे से नहीं हुई। सर अगर ऐसा है तो इस किडनैपिंग की वजह क्या है? कोई ना कोई तो वजह जरूर है, कोई ना कोई तो वजह जरूर है। कामिन, ये देखो, खून से सने उंगलियों के निशान। इससे तो बात पक्की होती है कि किडनैपर जैस्मिन को इसी रास्ते से ले गया, इसी रास्ते से। सर किडनैप करने वाला इन मेहमानों में से कोई हो सकता है? सर पार्टी में इतने सारे लोग थे, किसी ने किडनैपर को देखा कैसे नहीं? वही तो, किसी ने तो देखा होता। आप लोग हम पे शक कर रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते, मुजरिम जो कोई भी है, उसे इतना साफ साफ मालूम था कि जैस्मिन के कमरे में चुपचाप
कहां से घुसा जा सकता है? सर आप कुछ जो करना कीजिए, लेकिन प्लीज मेरी बहन को ढूंढ के लाइए प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो कहां कैसे होगी। प्लीज उसे ढूंढ के लाइए। घबराइए मत, तुम्हारी बहन को हम सही सलामत वापस ले आएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, या जितने भी मेहमान हैं, कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा जब तक हम उन सब की उंगलियों के निशान नहीं लेते। कोई नहीं जाएगा यहां से। खामोशी क्यों? से पता चला है कि मानव के फोन का आखिरी लोकेशन धानु रोड में ट्रेस हुआ है। कि बात से फोन बंद आ रहा है सर। तो कहीं जस्मीन के साथ मानव को भी तो किडनैप नहीं किया इस किडनैपर ने? सर इसका मतलब ये, जो कोई भी है वो इन दोनों को जानता था। मतलब उसे पता था कि जस्मीन कहां मिलेगी और ये मानव कहां होगा। है तो इन्हीं में से कोई, कोई करीबी, पर कौन, कौन हो सकता है? इनमें से तो किसी के हाथ पर या शरीर पर कोई हाथापाई के या किसी चोट के या खरोंच के निशान भी नहीं। कौन हो सकता है? क्या हुआ ललित जी, हैं?
आपका फोन बज रहा है, उठाइए। जी। किसका फोन है ललित जी? पता नहीं, कोई लैंडलाइन का नंबर, कहीं किडनैपर्स का फोन तो नहीं? तो फिर बात कीजिए। जी। हेलो, खून, लाशें, जस्मिन, जस्मिन तुम हो कहाँ? मेरी मदद कीजिए, मेरी जान को खतरा है। जस्मिन का फोन है, बात करो, स्पीकर ऑन करो, ऑन करो। हेलो, हेलो जस्मिन, तुम हो कहाँ? आवाज नहीं आ रही। सर प्लीज, मेरी बहन को बचा लीजिए सर प्लीज। पता नहीं वो किस हाल में होगी। एक मिनट, दोबारा फोन लगाओ इसी नंबर पे। क्या हुआ? सर फोन लग नहीं रहा। लग नहीं रहा? खुरी, काम करो, देखो जस्मिन की जान को खतरा है, पता लगाओ ये फोन कहां से आया था। ओह माय गॉड, इतने सारे चाकू! हर एक चाकू पर खून लगा हुआ है। ऐसा क्या हुआ यहां पे? अब समझ में आया, जस्मित की आवाज में इतना डर क्यों था? कहीं खूनी ने उसे भी अपना शिकार न बना लिया। देखो, जितना ज्यादा खून यहां पर पड़ा हुआ है और इतने सारे चाकू और हर चाकू पर यह खून, मुझे लगता है यहां पर एक से ज्यादा हत्या हुई है। यस। एक मिनट, ये क्या है? सचिन, वहां पर कुछ है, चेक इट। संभाल के। थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे बचा लिया, ना मेरी हड्डी पट्टी छूट जाती थी। शायद ये वही तहखाना है जिसके बारे में जस्मिन ने हमें बताया था। सर जरूर लाशें यहीं कहीं होंगी। हाँ सर, तहखाना। खैर, एक काम करो, तहखाने में जाकर के देखो कुछ मिलता है क्या, लाशें या कुछ और। करण, तुम तारिका के साथ जाओ। सर। यहाँ पे तो कोई लाश नहीं, शौक से ना जरा। इशिता, पंकज, घर के बाहर वाले हिस्से में चेक करो, शायद जैस्मिन वहीं कहीं छिपी बैठी हो। सर। उनका भी कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं कोई दूसरा केमिकल तो नहीं इस्तेमाल किया? करें, जरा प्लीज लेजर टॉर्च देना। सलूके साहब, सारे के सारे चाकू बिल्कुल नए लगते, ऐसा लगता है जैसे खूनी ने जुर्म करने के इरादे से ही खरीदा था। नहीं,
नहीं सचिन, ये चाकू नए नहीं है। ये देखो, इन चाकुओं पर अभी भी जंग लगी हुई है। वैसे में चाकू हैं पुराने, खूनी ने हमें गुमराह करने के लिए इन्हें नया जैसा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इस तरह गुमराह करके मुजरिम पाना क्या चाहता था? अगर इस कमरे में किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है तो इस लेजर टॉर्च की रोशनी में वो हिस्सा नारंगी दिखाई देगा। क्या है? बहुत सरफरा है दुष्यंत। अरे बात, इन सभी चाकुओं पर जो खून लगा हुआ है ना, ये खून असली खून है। हाँ सर, लेकिन पता नहीं कि इस सारे चाकुओं पे खून एक ही इंसान का है या फिर अलग अलग इंसान के जिन्होंने यहाँ पे हमला किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चाकू उस वक्त यहीं थे जब जैस्मिन ने ललित को फोन किया था। अगर खूनी फरार हो गया था तो फिर वो अपने साथ ये चाकू क्यों नहीं लेकर गया? सही कह रहे हो दुष्यंत, क्योंकि अगर खूनी को लाशें ठिकाने लगाने का वक्त मिला था तो फिर उसे ये हथियार भी यहाँ छोड़ने नहीं चाहिए थे। लाशें ठिकाने लगाने मतलब तहखाने में लाश नहीं मिली? नहीं सर, नीचे लाशें तो नहीं थी, मगर एक अजीब तरह के दो केमिकल्स मिले। ओ, टेस्ट करना बाकी है। इसका मतलब ये है कि जब लाशें देखकर जैस्मिन ने ललित को फोन किया उस वक्त वो खूनी इसी फार्म हाउस में मौजूद था। आई जस्ट होप जैस्मिन सही सलामत हो। दुष्यंत, आप लोग ये काम करो, आप लोग बाकी का फार्म हाउस अच्छी तरह से चेक करो। मैं तब तक यहीं पर एक टेम्पररी फॉरेंसिक लैब बना लेता हूं, क्योंकि काफी सारे सबूत बिखरे पड़े हैं यहां पर, कहीं कोई सबूत खराब नहीं होना चाहिए। कुछ पता चला है सर उनके साथ? वो केमिकल का मिश्रण आके रह गया। पता तो चला है दुष्यंत, लेकिन मैं ये सोचकर हैरान हूं कि उस केमिकल का यहां पर क्या काम। सर बताइए तो सही, शायद हम किसी नतीजे पे पहुंच सके। तारिका को यहां पर जो केमिकल मिला है वो एक एम्बाल्मिंग फ्लूइड है। एम्बाल्मिंग फ्लूइड? हाँ सचिन, एक ऐसा तेल जो लाशों पर लगाया जाता है लाशों को सड़ने से रोकने के लिए। ये काम तो अक्सर फ्यूनरल होम्स वगैरह में होता है ना? राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट दुष्यंत। और यही सोचकर मैं परेशान हूं कि कोई आदमी इस तरीके का तेल लेकर के क्यों घूमेगा, कोई खूनी लाशों को प्रिजर्व करने की कोशिश क्यों करेगा। शायद इसी वजह से, जिस वजह से उसने इन सारे चाकुओं को नया दिखाने की कोशिश की, ताकि हमें गुमराह कर सके और मौत के सही वक्त का पता न चले। That's a point, सचिन। मुझे ऐसे लगता है कि जैस्मिन ने जो लाशें देखी हैं, हो सकता है कि वो लाशें आज की ना हो बल्कि बहुत पुरानी लाशें हो। Exactly, तारिका, you are absolutely right। और मुझे लगता है खूनी जब लाशों को तहखाने से बाहर लेकर के जा रहा था, जरूर किसी न किसी लाश का कोई ना कोई हिस्सा फर्श से रगड़ खा गया और इसीलिए वो अंबाल में फ्लूइड फर्श पर लग गया। सर, सर जल्दी चलिए, बाहर मारम मिला है, जैस्मिन का पति बहुत घायल है। सर, बाहर कहीं भी जैस्मिन नहीं है। सर वहां पर है मानव। निकल
निकालो उसे, निकालो। मानव, मानव किसने किया ये? मानव, 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 उठो। मानव, आगे करो मानव। इसकी हालत तो बहुत गंभीर है। इशिता, एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी। यस सर। किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा ऐसे। ललित, जैस्मिन ने तुमसे मानव के बारे में कुछ कहा था? नहीं, वो तो खुद बहुत बुरी हालत में थी, शब्द तक नहीं निकल रहे थे उसकी जुबान से। शायद मानव यहाँ तब आया था जब जैस्मिन को इधर से ले जाया जा रहा था। सर, एम्बुलेंस 5 मिनट में आ रही है। ठीक है, चलो उसे बाहर गेट पे ले चलते हैं। मानव, उठो मानव। सर, उनके साहब और कितना समय लगेगा? 2.5 घंटे हो गए सर। सचिन रुको यार, फॉरेंसिक साइंस के एनालिसिस में वक्त लगता है, जानते हो ना तुम। एनीवे, ये देखो, हीमोग्लोबिन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हमने पता लगा लिया है कि इस घर में जहां कहीं भी खून पड़ा हुआ था और जिन चाकुओं पर खून लगा हुआ था वो खून 2 दिन पुराना है। इसका मतलब ये है कि इस फार्म हाउस में गुना हुए पूरे 2 दिन बीत चुके हैं। हाँ दुष्यंत, इनमें से किसी भी खून का सैंपल फ्रेश नहीं है। और एक बात, हर खून का डीएनए अलग अलग है। मतलब अलग अलग लोगों के खून। अच्छा सर, ये कुल मिला के कितने डीएनए मिले आपको? सचिन, जितने चाकू हैं सब पर अलग अलग लोगों का खून है। इसका मतलब जितने चाकू हैं उतनी लोगों के खून का डीएनए है। ये जन्म जरूर इस फार्म हाउस से पहले कभी आया होगा, तभी उसको यहाँ के कोने कोने का पता है। इस वक्त भी तो यहां मौजूद नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो मेरी जैस्मिन को। 120/80 जैस्मिन, रुको रुको, 1 घंटे के बाद इनको इंजेक्शन दे देना। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है मानव की? इनकी किस्मत अच्छी है, वो इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुआ, वरना बचना मुश्किल था। बात कर सकते हैं? जी हाँ, अभी होश में आए हैं। जैस्मिन, जैस्मिन, मानो, रुको। मानो घबराओ मत, जैस्मिन को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। तुम जरा ठीक से याद करके बताओ कि फार्म हाउस में क्या हुआ था। मेरी जान को खतरा था और जैस्मिन की भी। जान को खतरा? किससे किससे था? कई दिनों से कुछ लोग मुझे फोन करके 55 करोड़ की मांग कर रहे थे और एनिवर्सरी की रात को भी मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे क्या पता था अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो मेरी जैस्मिन को निशाना बनाएंगे। क्या तुम्हें पता था कि उन्होंने जैस्मिन को फार्म हाउस में रखा हुआ है? हाँ, क्योंकि जैस्मिन ने मुझे वहां से फोन किया था मदद के लिए। उन लोगों का चेहरा याद है तुमको? हाँ हाँ सर। कौन थे वो लोग? मानो, कौन थे वो लोग?
ओह नो, ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से ये फिर से बेहोश हो गए हैं। हेलो, क्या पंकज बेहोश हो गया? सर ये पंकज ठीक तो हो जाएगा ना, पर ये इसके गले में जो पिन लगा हुआ था ये क्या है? सचिन, एक रिफ्लेक्स फ्रीजर है और इस पिन के चुभने की वजह से पंकज अपने चलने फिरने हिलने डुलने की ताकत खो चुका है। ये टेम्पररी पैरालिसिस हो चुका है इसे। घबराओ मत, टेम्पररी है। फिर भी सर इलाज तो है ना? मैंने कहा ना टेम्पररी है, इसका असर धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। डोंट वरी सचिन, ये जो इंजेक्शन मैं रेडी कर रही हूँ इससे पंकज तुरंत ठीक हो जाएगा। सर कैसी तबीयत है पंकज की? मच बेटर। मगर सर पंकज को ये सुई लगी तो लगी कैसे? दुष्यंत, मुझे लगता है खूनी ने वहां उस तरफ जरूर कोई ऐसा जुगाड़ फिट करके रखा है जिससे ये सुई उसने पंकज को मारी है। तुम लोग उधर चेक करो, जरूर कुछ मिलेगा आई एम श्योर। जिस वक्त पंकज यहां नीचे गिरा वो यहां था, यानी कि सुई उसे यहीं आसपास से लगी है। सुई पंकज को कॉलर बोन के ऊपर लगी है, वो भी आगे की तरफ से, मगर उसे वो दिखी नहीं। मतलब कि यहां से आदर्शित, ये देखो ये ड्रॉर आधा खुला हुआ है। तो ये चक्कर है, इसका मतलब यह है कि जब पंकज ने ये ड्रॉर खोला होगा तो इस पिस्टन के जरिए वो सुई उसे यहां लगी होगी और वो नीचे गिर गया। और ये सारी की सारी प्लानिंग खूनी ने जैस्मिन के लिए की थी, लेकिन फंस गया बेचारा पंकज। एग्जैक्टली, ये जैस्मिन को अस्थमा अटैक आया था ना? और जब किसी को अस्थमा अटैक आता है तो सबसे पहली चीज ढूंढता है वो पंप, जो शायद इसी ड्रॉर में होगा। ये रहा, यानी हुआ कुछ ऐसा होगा कि जैस्मिन को यहां लाया गया और ये खून चाकू वगैरह देखकर उसे अस्थमा अटैक आया होगा, लेकिन ड्रॉर से ये पंप निकालने की बजाय उसने ललित को फोन कर दिया और वहीं मुजरिम की प्लानिंग उल्टी पड़ गई। और जैस्मिन को ये पहले से ही पता था कि ये अस्थमा पंप इस ड्रॉर में रखा हुआ है। बिल्कुल, अब उन सभी लाशों के रास तक हमें वो केमिकल ले जाएगा जिसका इस्तेमाल उन लाशों को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। इंडियन मेडिकल ग्रुप से आए हैं, मुर्दा घर की जांच करनी है। क्या हुआ सर, क्या बात है? बाद में बताएंगे, पहले जरा लाशें दिखाओ। लाशें क्यों देखनी है आपको? लाशें तो बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है तो फिर आप इतना टेंशन में क्यों आ गए? नहीं तो हमें पक्की खबर मिली है, लाशों को बाहर ले जाया गया यहाँ से। क्या बात करे सर आप, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर आपको किसी ने गलत बताया सर, लाशें तो कब की वापस आ गई। वापस आ गई मतलब बाहर गई थी। देखा सर, चोर की दाढ़ी में तिनका। देखो सब कुछ पूरी सच्चाई के साथ ठीक ठीक बताओ, सीआईडी के सामने झूठ बोलना ठीक नहीं, समझे? क्या सीआईडी? आप लोग सीआईडी से हैं? जी हाँ, सच उगलवाने के लिए कभी कभी ऐसे खेल खेलने पड़ते हैं। क्या चक्कर है ये हैं? साहब अब से 3 दिन पहले हम दोनों ने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, मुर्दा घर में कोई आया और लाशें चुरा कर ले गया। तो लेकिन लाशें तो अगले दिन दोपहर को अपने आप ही वापस आ गई थी, नहीं इसके लिए हमने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। अच्छा जरूरी नहीं समझा है? और ये लाश गले नहीं, इसके लिए जो तेल लगाते हैं लाशों पे वो तुम लोग लगाते हो? नहीं साहब, नहीं साहब, वो काम इन्हें कहाँ आता है? ये काम करने के लिए तो कुछ खास लोग होते हैं और कुछ खास दुकानें, ऐसी 2 दुकान है इस इलाके में। कौन कौन सी दुकानें हैं? साहब किसकी मौत हो गई?
मौत तो किसी की नहीं हुई। किसी की नहीं तो फिर आप यहां क्या करने आए? सीआईडी जी। अच्छा ये बताओ कि आज से दो दिन पहले यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस पे हमें काफी लाशें मिली हैं, जिन्हें एम्बाम किया गया था, यानी कि साफ सुथरा करके सजाया गया था, जैसे कि तुम करते हो। लेकिन लेकिन मैं तो किसी भी फार्म हाउस पर गया ही नहीं सर, लाशों को सजाने। अगर आप नहीं गए थे तो फिर हो सकता है कि वो चोर जिसने मुर्दा घर से लाशें चुराई वो लाशें लेके तुम्हारे पास आया। मुर्दा घर से चुराई लाशें? लेकिन कोई लाशें क्यों चुराएगा सर? ये तो अब आप बताएं, यहाँ तो आप ही रहते हैं। ये काम जरूर अशोक का होगा साहब, क्योंकि मेरे अलावा एक वही है जो लाशों को सजाने का काम करता है। अशोक को तो लकवा मार चुका है और वो चल फिर नहीं सकता, और बचे सिर्फ तुम, तो हो सकता है कि ये काम तुम्हारा। नहीं साहब, मेरे और अशोक के अलावा ये काम एक और आदमी कर सकता है। कौन है वो? ये वही चोर है साहब, जिसने तीन दिन पहले मेरी दुकान से लाशों को सजाने वाला तेल चुरा लिया। आइए सर, मैं आपको बताता हूँ उसने तेल कहाँ से चुराया। यहीं से चुराया है उसने लाशों पे लगाने वाला तेल। ये तेल किसने चुराया? ये तेल यही तो पता नहीं साहब, अगर मुझे मालूम चल जाए तो उसकी टंगड़ी तोड़ दूंगा मैं। एक मिनट, तेल के अलावा यहाँ से कुछ और भी चोरी हुआ क्या? पैसे वगैरह? नहीं सर, सिर्फ तेल। यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसका मकसद सिर्फ तेल चुराना था उन लाशों पर लगाने के लिए, और वो खुद ये काम जानता था, है ऐसा कोई आदमी? साहब मैंने ये कला तो सिर्फ केतन को सिखाई थी। केतन? कौन है ये केतन? एक लड़का था मेरी दुकान पे काम करता था, बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं कहां से उसे शराब पीने की लत लग गई साहब, बस मजबूरी की वजह से मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। अभी कहां मिलेगा ये केतन? पप्पू रेनाल्डो, पता है रेनाल्डो, उसकी तरह हवा में आऊंगा और बैकहैम की तरह गोल करूंगा। अब देखा, देख तू पप्पू, पप्पू देखा। अरे कौन है भाई, कौन है भाई तू? लगता है तेरा नशा बहुत हो गया, उतारना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? तेरा नशा उतार रहे हैं। क्यों भाई? अभी तो चढ़िए, उतार क्यों रहे हैं? क्योंकि सीआईडी के गोल करने का तरीका तुझे सिखाना है। सीआईडी? हाँ सीआईडी। बता, लाश को प्रिजर्व करने का तेल किसके लिए चुराया था? बताता हूँ साहब, जो लगती है साहब, मुझे मैट्रिक्स बार में मिले थे, वो कह रहे थे कि अगर तुम हमारे लिए तेल चुराओगे और लाश को प्रिजर्व करोगे तो हम हर बार तुम्हारे शराब का बिल देंगे साहब। नाम नंबर एड्रेस कुछ है उनका? है साहब, एक मिनट देखता हूँ। बिरजू,
रुक जाओ। ए, कौन है तुम लोग? यहाँ आने की हिम्मत कैसी करी तुम लोगों ने? हिम्मत तो सीआईडी को फ्री में मिलती है। सीआईडी? हाँ सीआईडी। ऐसा जुर्म करके सीआईडी से बच सकते हो? Oh my God, ये तो जासमीन है। अच्छे अच्छे नहीं भाग पाए सीआईडी से, तू भागेगा। अब बताओ एक मासूम की जान लेकर क्या मिला तुम दोनों को? हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं थी सर, हमने सिर्फ उसे पैसे के लिए मारा। किसने दिए तुम्हें वो पैसे? बोलो। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, पेशेंट को स्पेशल वार्ड में लेके जाओ। ओके। आपने तो कमाल ही कर दिया मैडम, वैसे इस पेशेंट की बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। कमाल तो करना ही था, आखिर शहर की नामी गिरामी हार्ट सर्जन तो ठहरे हैं आप लोग। सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है सर? वो क्या है कि हमें एक ऐसे सर्जन की जरूरत है। सीआईडी वाले किसी सर्जन को ढूंढ रहे हैं? किसी सर्जन को नहीं, हम इसी सर्जन को ढूंढ रहे हैं। मेरी तलाश? लेकिन मैंने क्या किया है? गुनाह किया है तुमने, गुनाह। चलो। हाँ, मैंने इन दोनों से कहा था जैस्मिन को किडनैप करने के लिए। अगर क्यों? पैसों के लिए, 55 करोड़ की मांग रखने के लिए। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत? तुम्हारा तो सर्जन का करियर भी अच्छा खासा चल रहा है, फिर अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि मुझे और पैसे चाहिए थे, और क्योंकि पैसे कितने भी हो कम ही होते हैं ना। ओ, तो तुम मानती हो कि पैसों के लालच ने तुमसे यह गुनाह करवाया? हाँ। पैसों के लिए जैस्मिन को किडनैप किया तुमने, फिर मानो को धमकी भरे फोन करने बंद क्यों कर दिए? देखिए प्लीज, आप लोग मुझसे और सवाल मत पूछिए। मेरा सर पहले से बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप मुझे और सवाल मत पूछिए। मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है ना, तो आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे और सवाल मत पूछिए प्लीज। तुम्हारे सर दर्द की दवाई मेरे पास है, तू? लेकिन मैं आपको और क्या बताऊं? मैंने सब कुछ तो आपको बता दिया है ना, मैं आपको और क्या बताऊं? मानव को जिंदा क्यों छोड़ा तुमने? क्योंकि अगर उसे मार देती तो पैसे कौन देता? और वो ड्रॉअर में जो पिन थी, उसका क्या चक्कर है? किसने लगाया था वो? क्या नाम है उसका? वो, उसका नाम? अनुज का कहीं जेल से भागा तो नहीं गई? सीआईडी के हाथों से आज तक कोई खुदी भागा नहीं और कभी भागेगा भी नहीं। तो फिर आप लोग यहाँ कैसे? दो दो सवाल पूछने हैं। सवाल? कैसे सवाल? सवाल नंबर एक, अगर बिरजू और कालिया ने जस्मिन को अपने कमरे में से किडनैप किया, तो फिर वहां पर जो खून मिला था वो उन दोनों का क्यों नहीं? सर शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने किसी और को भेजा हो जैस्मिन को उठाने के लिए। हाँ, किसी और को भेजा होगा। सवाल नंबर दो, अगर खूनी ने वो जहरीला पिन उस ड्रॉअर में लगाया था जैस्मिन के लिए,
उसे ये कैसे पता था कि जस्मीन आकर वो ड्रॉर खोलेगी ही खोलेगी? ये तो कोई अंदर का ही आदमी कर सकता है ना। तो फिर बताओ कौन हो सकता है वो? सर वो मैं एक्चुअली आपको बताना भूल गया, मुझे ललित पे शक है। ललित का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि जास्मिन को तुमने मारा है। सर मैं भला अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? ये सब झूठ है, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। जस्मीन के कमरे में जो खून मिला है वो तुम्हारा ही है, मानो वो खून तुम्हारा है। हाँ, और सीआईडी को तुम्हारे बारे में सब कुछ मैंने बताया, समझे? तुम सब खत्म होगा। क्या लगा तुम्हें कि अनुष्का की बेटी को किडनैप करके उससे सारे अपने गलत काम करवाने से सारे इल्जाम उस पर जाएंगे? तो अनुष्का ने जब अपना बयान दिया ना, तभी हम समझ गए कि अनुष्का सच छुपा रही है। हाँ, बस ये एक गलती कर बैठा मैं। जास्मीन को माना मेरी मजबूरी थी, उसकी अस्मा की वजह से मैं तंग आ गया था, छुटकारा पाना चाहता था उससे मैं। अगर उसकी जगह तुम्हें ऐसी कोई बीमारी होती तो क्या उसे तुम्हारे साथ ऐसे ही करना चाहिए था? टेंशन की वजह से जस्मीन का अस्थमा बढ़ता है, ये तुम्हें पता था और तुमने उसका गैर फायदा लिया। तुम उसे फार्म हाउस ले गए, फिर मैंने उसे नींद की गोली देकर सुला दिया और सोचा जब वो सुबह उठेगी तो लाश और खून देकर उसका अस्थमा बढ़ जाएगा, और जैसे ही वो अपना पंप निकाल ले ड्रॉर खोलेगी उसे जहरीली पिंड चुभ जाएगी। मगर वो बच गई और फिर मैंने उसे ड्रग का ओवरडोज देकर खत्म कर दिया। लानत है तुम पर मानव, लानत है। अपने पत्नी से छुटकारा पाने के लिए तुमने उसका खून कर दिया। जीने का कोई हक नहीं, कोई भी हक नहीं। कानून तुम्हें बराबर सजा दे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।